हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है शून्य अकेडमी में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 3 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स। तो आप जानना चाहते हैं आज क्या हुआ, तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए हम आज के कुछ बहुत ही लेटेस्ट और मज़ेदार फैक्ट्स को जानते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई भी PDF चाहिए ताकि आप उन्हें बाद में रिवाइज कर सकें, तो उसके लिए आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में अगर शून्य अकेडमी के कोर्सेज को आप लोग देखना चाहते हैं, तो उन कोर्सेज को देखने के लिए ये है वेबसाइट shoonacademy.in। इसके अलावा शून्य अकेडमी का एक ऐप है जिसे आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी से बात करना, कुछ छोटी बड़ी क्वेरीज को जानना, तो ये फ़ोन नंबर है जिस पर आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट मरीना टू प्रमोट कोस्टल टूरिज्म इन द स्टेट। फर्स्ट मरीना, ओके, इट्स व्हाट इज मरीना, ये एक बोट है, यानी कि बोट और डॉकेज एक बनाया जाएगा कोस्टल रीजन में। तो ये कौन से स्टेट के लिए बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में भी कहाँ पे? कर्नाटक में उडुपी में ये बनाया जाएगा। और इसे बनाएगा कौन? इसे बनाएगा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। उसके अलावा आपको जानने की बात ये है कि यहाँ पे जो टूरिज्म है वो किस तरह का, या फिर वहाँ पे क्या बताया जाएगा आपको? तो यहाँ पे एक इस तरह का टूरिज्म क्रिएट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के साथ मिलकर, जहाँ पे साउथ इंडिया में जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज आई हैं, खासकर जिनका प्रभाव कर्नाटक पे रहा, उन डायनेस्टीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। तो वो डायनेस्टीज़ ये कौन सी हैं? एक है आपकी गंगा डायनेस्टी, देन कदम डायनेस्टी, उसके अलावा बहुत फेमस है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट है ना, और फिर है चालुक्य, और एक और है होयसला, होयसला डायनेस्टी, जो कि कर्नाटक में ही बनी थी। तो इन पांचों के बारे में बताया जाएगा इस टूरिज्म मरीना में, कहाँ पे? कर्नाटक। दूसरा सवाल है हमारा, रिसेंटली वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च रिसेंटली। ये एक हाइब्रिड रॉकेट है। सबसे पहले जानना हो कि हाइब्रिड रॉकेट क्या होता है। अभी तक क्या होता था कि रॉकेट में अलग 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 कंपार्टमेंट्स होते थे जिनमें फ्लूइड या सॉलिड भरा होता था, मतलब कि ये एक फ्यूल होता है। अभी क्या होगा, एक ही कंपार्टमेंट में सॉलिड प्लस लिक्विड फ्यूल होगा। तो एक ही कंपार्टमेंट में जब दो स्टेट ऑफ मैटर का फ्यूल है, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं हाइब्रिड रॉकेट। तो एक कौन से स्टेट से अभी अभी लॉन्च किया गया है? वो है आपका तमिलनाडु। यस, तमिलनाडु से इसे लॉन्च किया गया है। और ये बनाया किसने है? तो ये एक मिशन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023। उसमें सिलेक्टेड 150 स्टूडेंट्स ने इस रॉकेट को बनाया है। कहाँ? और ये लॉन्च हुआ तमिलनाडु से। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सिको इंडिया। आप जानते हैं पेप्सिको एक बड़ा ब्रांड है, तो इस बड़े ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये है रणवीर सिंह, ये हैं आपके रणवीर सिंह। अभी पेप्सिको में और भी कई सारी कंपनीज आती हैं, जैसे पेप्सिको एक बड़ा ब्रांड है, तो इसके अंदर कौन कौन सी अलग अलग कंपनीज आती हैं? आता है आपका, आपकी पेप्सी आती है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है। उसके अलावा माउंटेन ड्यू इसमें आती है, लेज इसमें आती है, मिरिंडा, मिरिंडा के अलावा आपके चीटोज, जितने भी सुने हुए हैं ये सब यहीं से हैं। उसके बाद है लिप्टन ग्रीन टी, उसके अलावा है 7 अप, उसके अलावा ट्रॉपिकाना, और बहुत सारे हैं, लाइक अनगिनत, मैं नाम भी नहीं ले सकती इतने सारे। उसके अलावा आपको एक्वाफिना मिल जाएगा, एक्सेट्रा। चलिए तो अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द कतर ओपन टाइटल। कतर ओपन किसने जीता है? तो कतर ओपन जीतने वाले हैं डैनिल मेदवेदेव। और ये कहाँ के हैं? ये हैं रशिया के। और इनकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है अभी? इनकी वर्ल्ड रैंकिंग है 7th रैंक पे।
ये जानना भी ज़रूरी है कि इन्होंने किसको हरा के जीता है टाइटल। तो इन्होंने हरा है एंडी मरे को। एंडी मरे ब्रिटेन के हैं, एंडी मरे ब्रिटेन के हैं, जो एक समय पर वर्ल्ड रैंकिंग फर्स्ट पे थे। हालांकि अब इनकी जो रैंकिंग है वो 52 है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे विमेन सिंगल में किसने जीता है, तो विमेन सिंगल में जीता है ईगा स्वैतिक ने। ईगा स्वैतिक जो कि पोलैंड से हैं। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला है, इन विच सिटी ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैम्पियनशिप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि ताइक्वांडो चैम्पियनशिप कहाँ पे शुरू की गई है, मतलब कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है। तो ये हुई है आपकी दिल्ली में, दिल्ली के स्टेडियम में ये चैम्पियनशिप शुरुआत हुई है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगला सवाल। हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड गेम बेस्ड लर्निंग रिसोर्स मैजिक बॉक्स, यानी कि मैजिक बॉक्स का नाम का एक रिसोर्स है, इसे हिंदी में बोलते हैं जादुई पिटारा। तो इसको लॉन्च किया है किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं। कौन है ये प्रेजेंटली एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। और इसके बारे में जानते हैं कि ये जादुई पिटारा क्या चीज़ है। तो जादुई पिटारा छोटे बच्चे जो कि 3 to 8 ईयर्स ओल्ड हैं, उन बच्चों के लिए एक रिसोर्स है, एक बॉक्स है जिसमें उन्हें कई सारी एजुकेशनल टॉयज़ मिलेंगे, वो सीख सकते हैं। जिससे इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपके टॉयज़ आएंगे, गेम्स आएंगे, पपेट्स आएंगे, उसके अलावा वर्कशीट्स आएंगी, वर्कशीट देन प्ले बुक, और इसी तरह के कई सारे टूल्स जिससे बच्चे सीख सकते हैं। तो ये है मैजिक बॉक्स। इसके बाद चलते हैं, विथ होम हैज़ ऊबर रिसेंटली टाइड अप टू ब्रिंग 500 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी कि ऊबर ने किसी एक कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि 500 इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना सके। तो किसके साथ टाई अप किया है, ये किया है टाटा मोटर्स के साथ। किसके साथ, टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स से पहले हम जानेंगे कि ऊबर ऊबर कंपनी है सैन फ्रांसिस्को की, सैन फ्रांसिस्को जो कि कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया कहाँ पे, कैलिफोर्निया है आपका यूएस में। इसके अलावा टाटा के बारे में अगर जाने, तो टाटा कंपनी कब बनी थी, ये बनी थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और उसको किसने बनाया था, जमशेदजी टाटा ने। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जिन्हें ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला सवाल चलते हैं, विच मेट्रो इज़ गोइंग टू लॉन्च फर्स्ट वर्चुअल शॉपिंग ऐप रिसेंटली, यानी कि फर्स्ट वर्चुअल शॉपिंग ऐप है और ये किसी एक मेट्रो ने लॉन्च किया। तो कौन से शहर की मेट्रो है ये है आपकी दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो ने इसकी शुरुआत की है। तो थोड़ा सा दिल्ली मेट्रो के बारे में जानते हैं, दिल्ली मेट्रो कब बनी है, ये बनी है आपकी 2002 में। और इसको बनाने वाले कौन हैं, तो इसको बनाने वाले हैं ई श्रीधरन, जो कि एक इंजीनियर थे। और इसे बनाया किसने, तो इसे बनाया है DMRC ने। DMRC मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो ये है कुछ बातें इसके बारे में। इसके बारे में ये है कि 10 कलर कोडेड लाइंस होती हैं जो कि 255 स्टेशन को जोड़ती हैं। लेकिन ये तीन चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। फिर अगला सवाल है हमारा, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर 2022, यानी कि एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब मिला है सज्जन जिंदल को। सज्जन जिंदल को ऐसे याद रख सकते हैं कि ये बहुत ही सज्जन इंसान है, इसीलिए इनको ये खिताब मिला है। अच्छा, और ये किसके मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, तो ये है JSW ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर। और ये ग्रुप कौन कौन से अलग अलग फील्ड्स में काम करता है, तो इसमें है आपका स्टील, माइनिंग, एनर्जी, देन इवन स्पोर्ट्स भी इसमें आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, सॉफ्टवेयर बिजनेस भी। तो एक पूरा ग्रुप है, अम्ब्रेला ग्रुप, जिसमें कई सारे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अच्छा चलिए,
अब मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था, तो आई होप आप लोग उसका सवाल का आंसर ढूंढ के लेकर आए होंगे। वो था कि विच कंट्री डिक्लेयर्ड हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू स्प्रेड ऑफ डेंगू। तो वो कंट्री जहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी लगी थी डेंगू की वजह से, वो कंट्री है आपकी पेरू। पेरू में हेल्थ इमरजेंसी हाल ही में लगी है। तो थोड़ा सा जानते हैं कि डेंगू होता कैसे है। तो आपको पता है डेंगू एक ट्रॉपिकल डिसीज़ है। ट्रॉपिकल यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर में जो भी देश आते हैं वो ट्रॉपिकल देश हो गए। तो वहाँ की ये एक बीमारी है। और कैसे फैलती है? मच्छरों के काटने से। लेकिन मच्छर कौन सा होगा वो ध्यान रखना है। तो मच्छर होगा एडीस इजिप्टी, ये उस मच्छर की प्रजाति होगी। उसके अलावा ये जो मच्छर है एडीज इजिप्टी, ये सिर्फ डेंगू नहीं फैलाता, इवन चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका इन्फेक्शन, ये भी इसी मच्छर से होते हैं। तो इसको ध्यान रखना। मैं लिख देती हूँ चिकनगुनिया, उसके अलावा है आपका येलो फीवर, और एक है आपका जीका, जीका वायरस से जो होता है, तो ये इसी मच्छर के फैलाने से होता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं कि कल मैं क्या क्वेश्चन आज छोड़ के जा रही हूँ। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ढूंढ के लाना है वो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज डेटा फ्रॉम RTI, व्हाट परसेंटेज ऑफ वोटर्स हैव लिंक्ड आधार विद देयर वोटर आईडी कार्ड। यानी कि हाल ही में एक ट्राइव चल रही है जहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड को अपने वोटर आईडी से लिंक करना है। तो आपको बताना ये है कि इंडिया में कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने अपने आधार को वोटर आईडी से लिंक किया है। ये हैं आपके ऑप्शन। तो मिलते हैं कल हम लोग इसके आंसर के साथ भी, और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एग्ज़ाम रिलेवेंट नए नए फैक्ट्स के साथ। तो आई होप टू सी यू सून, बाय। कोर्सेज के बारे में बता दूं जो कि शून्य अकेडमी ने शुरू किए हैं, ताकि आप किसी भी PSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये मदद करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। तो ये है आपका पहला PSC करंट अफेयर्स, जो कि UPPSC और MPPSC दोनों के लिए यूज़फुल है। उसके बाद है मध्य प्रदेश स्पेशल, यानी कि अगर MP के कोई भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं तो उसके लिए मध्य प्रदेश स्पेशल। उसके बाद है UPPSC प्रीलिम्स 2023 टेस्ट सीरीज़। 2023 अगर आप एम कर रहे हैं तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज़ है। इसके साथ है पॉलिटी थ्रू क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस करके आपको पॉलिटी ज्ञात करवाया जाएगा। इसके बाद है उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए ये सबसे अच्छा एक कोर्स है। फिर है मध्य प्रदेश स्पेशल, और उसके बाद है एक सामान्य हिंदी का पेपर। तो ये सारे पेपर्स हैं, ये सारे कोर्सेज हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको उसकी साइट यानी कि shunyaacademy.in के बारे में बता चुकी हूँ। और एक नंबर दिया गया है जो यहाँ भी लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर, एंड आई होप टू मीट यू सून टुमारो। थैंक यू। Subscribe to Shunya Academy and Shunya Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications.